उत्तराखंड और भी बहुत सारे कलाकार नजर में हैं। और अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पहली बार भोजपुरी बना रहे हैं। हाँ, मुहूर्त लोगों से मिलके अच्छा लग रहा है और मुहूर्त भी अच्छे तरह से हुआ है और अच्छा ही होगा जो भी होगा आगे। आपकी पहले क्या सोच थी भोजपुरी की फिल्म के बारे में? मेरी तो पहले तो मतलब हो गया 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ भोजपुरी मूवी और अच्छी लग रही है। तो क्या आपको लगता है क्या खास बात ऐसी पिक्चर बनाएंगे आगे? मैं तो थिएटर मतलब सब फैमिली के साथ जाएंगे देखेंगे तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी, मेरा तो यही कहना है। इस फिल्म में ऐसी आपको क्या खास बात लगी या फिर इसकी स्क्रिप्ट आपको कैसी लगी जो आप इसे फाइनेंस करने के लिए रेडी हो गए? स्क्रिप्ट अच्छी है, स्टोरी मेरी है, स्टोरी मेरी है। स्क्रीन प्ले और डायलॉग वगैरह के मनोज सिंह जी ने लिखी है और वो तो बहुत अच्छे राइटर है भोजपुरी इंडस्ट्री के। बस नहीं कुछ नहीं, जब बोल रहे वही बोल नहीं नहीं ठीक है ठीक है, एक बोल रहे बस वही रिपीट हो गया। मैं बोले अपने हीरो को क्या कहेंगे, दो लाइन अच्छी बुरी कुछ बात नहीं नहीं, अरे अच्छे हैं यशमा जी, बहुत बस ये बोलना उसका। क्या अच्छी बात लगता है? एक्शन गाना जो गाना सब उनका एक्शन गाना सब और उनका जो केमिस्ट्री रहता है। हाँ गाना गवा रहे हैं, एक गाना गवा रहे हैं उनसे और जो उनकी केमिस्ट्री रहती है हीरोइन के साथ अच्छी रहती है तो आप सब जानते ही है, इसके लिए बस थैंक। साई श्रद्धा मोशन पिक्चर की तरफ से स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस फिल्म का नाम रुद्रा है, ये हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं यश जी उनके नाम पे आधारित है और इस पहली बार उन्होंने इस फिल्म में डबल रोल किया है और फुली एक्शन मूवी है ये, फुल एंटरटेन। जी ये घोड़ा जो है ये इस फिल्म का एक अहम पात्र है। इसके अलावा स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज किया आपने फिल्म के लिए? स्क्रिप्ट के हिसाब से किए, मनोज टाइगर जी हैं, अवधेश मिश्रा जी हैं, तनुश्री हैं और बस ये मेन स्टारकास्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? बीइंग अ कैमरामैन मैं यही कहना चाहूँगी कि राकेश भरद्वाज जी है जो बहुत अच्छे मित्र भी है और हमने यही सोचा है कि मतलब इस फिल्म को एक अलग ही रूप दे, एक अलग अंदाज में शूट करे जो कि किसी एंगल से रेगुलर सिनेमा जैसा ना लगे। ठीक है, तो एक स्टाइलाइज्ड फिल्म होगी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, एक्शन फिल्म है तो इसका ट्रीटमेंट डेफिनेटली अच्छा होगा और राकेश जी और हम एक अच्छी कॉम्बिनेशन में इसको एक अच्छे रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राकेश जी फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होने वाली है और कौन सी लोकेशन पर? 20 दिसंबर से संजान में गुजरात। मैं इस फिल्म में एक बहुत ही अच्छा करेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो है कॉमेडी भी है और थोड़ा निगेटिव भी है। फिल्म बहुत अच्छी बन रही है और हमारे एक्शन किंग यश कुमार मिश्रा जी जो है इसके लीड हीरो हैं और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें एक जो घोड़ा दिख रहा है ना, ये घोड़ा भी एक जो है ना ये भी एक हीरो है, इसका भी फुल मतलब इसके अंदर जो है किरदार है, अच्छा ये काम होगा और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये फिल्म बहुत अच्छी बने और लोगों को पसंद आए। इसके डायरेक्टर श्री हमारे राकेश भारद्वाज जी हैं जो भोजपुरी को मतलब कुछ अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि ये फिल्म बनने का दर्शकों को बहुत ज़्यादा पसंद आए और सबसे बड़ी बात यह है कि फिल्म बनने के बाद में जो है ना लोग परिवार के साथ में देखें, इस तरह से हम कुछ करना चाह रहे हैं, यही हमारी उम्मीद है कि मतलब जब पिक्चर बने फैमिली के साथ लोग जाएंगे तो भोजपुरी बहुत आगे जाएगी जो है, तो साफ सुथरी और एक अच्छी और एक्शन फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही है और अच्छा ही होगा। धन्यवाद। के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने किरदार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप फिल्म से किस तरह से जुड़े हैं? हाँ, अभी मैं अपने किरदार के बारे में मैं कुछ खास नहीं बताऊंगी, लेकिन रुद्रा का नाम ही अपने आप में एक रुद्र का अवतार है और जिस तरह की स्टोरी है बहुत बढ़िया है और इसमें एज ए हीरो का जो रोल प्ले कर रहे हैं हमारे यश जी हैं तो फिल्म डेफिनेटली अच्छी होगी और इसके जो प्रोड्यूसर हैं लक्ष्मण जी बहुत ही मतलब अच्छी फिल्म का स्टोरी लेके आ रहे हैं, तो लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि पारिवारिक स्टोरी है और अब जितनी भी स्टोरी आ रही है सब एकदम अलग हट के आ रही है, एकदम जैसे जो पूरे परिवार के लोग एक साथ देख सकते हैं, तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है और मैं अपने बारे में बाद में बता सकती हूँ। यश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यश जिसका नाम ही यश हो उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इनके बारे में कौन नहीं जानता, बताने की ज़रूरत उसके लिए पड़ती है जिसका कोई नाम ना हो, और यश जी बहुत ही बढ़िया एक अच्छे हमारे स्टार हैं और आप लोग सामने देख ही रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई एम ब्लशिंग। यश जी क्या कहना चाहेंगे? पुष्पा जी बड़ी ही अच्छी अभिनेत्री हैं और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और रुद्रा फिल्म के बारे में मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ,
कुछ अलग करने की कोशिश है, और फिल्म देखने के बाद यूँ तो सब कहते हैं कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, लेकिन यकीनन आपको रुद्रा में बिल्कुल अलग कुछ देखने को मिलेगा, अनएक्सपेक्टेबल होगा, ये वादा है। मेरी आने वाली फिल्म है रंगदारी, जो 18 नवंबर को रिलीज़ हो रही है, उसके बाद एक रजाई तीन लुगाई रिलीज़ होगी, उसके बाद मोहब्बत जिंदाबाद रिलीज़ होगी, एक्शन राजा रिलीज़ होगी। परसों मैं जा रहा हूँ अपनी नई फिल्म के शूट पे, जिसका नाम है कसम पैदा करने वाले की। कसम पैदा करने वाले की जस्ट बाद में एक फिल्म का शूट करने वाला हूँ, उसका नाम होगा, शायद नाम जो होगा वो बजरंगी बाहुबली सुपरस्टार होगा। और उसके बाद मैं जो रुद्रा का शूटिंग करूंगा 20 दिसंबर से। तो लाइनअप है फिल्मों के, आती रहेंगी चीज़ें, आप सब तक पहुंचती रहेंगी। आप सब मीडिया वाले हैं, आप लोग तो मेरी जानकारी लोगों तक पहुंचाते ही रहते हैं, शुक्रगुजार हूं मैं आप लोगों का। तो दर्शक लोग मेरी हर चीज़ों से वाकिफ होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। जाने वाला है अभी मैं इनके साथ, मेरा मैं जो यूट्यूब का मेरा जो अपना पर्सनल चैनल है, मैं वर्ल्ड वाइड के साथ ही जुड़ गया हूँ। तो जो आप सवाल पूछना चाहते हैं आप रत्नाकर साहब से पूछ सकते हैं सब कुछ। सर क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी फिल्म से आप जुड़ने वाले हैं, तो क्या आशा है फिल्म से? दो दिन पहले ही हम लोगों ने मीटिंग किया था इस पिक्चर के बारे में, और इसका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है। तो हम लोगों ने बिल्कुल शूटिंग के पहले ही से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको, इस मूवी को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाए और किस ढंग से बननी चाहिए जो आज का माहौल है, और हर एक टेक्निकली एंड जो विजुअली है वो बड़े अच्छे तरीके से डिस्कशन हुआ है, और उसी ढंग से इसको शूट किया जाएगा। क्या प्रमोशनल स्ट्रेटजी होगी? हाँ, ये सीक्रेट है, और ये बिल्कुल नए अंदाज में इस बार आएंगे। सीक्रेट है, बट मैं अभी मेरे करियर का ये तीसरा साल चल रहा है, तीसरे साल में मैंने करीब ये 15वीं फिल्म का मुहूर्त है, बट आई एम फीलिंग प्राउड कि मैं परसों ही वर्ल्ड वाइड के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और यूट्यूब से जितने भी रिलेटेड मेरी जानकारी होगी अब आप लोगों को वर्ल्ड वाइड के ही जरिए मिलेगी। तो वर्ल्ड वाइड इस फिल्म को अलग मुकाम पे लेकर के जाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी हमारे रत्नाकर जी के ऊपर है, एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मैं रत्नाकर जी के साथ जुड़ा हूँ और वर्ल्ड वाइड कंपनी हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ी है। और कोशिश है, अच्छा करेंगे, क्योंकि हर एक दिन हम लोगों को तो नया ही देना है, और हर एक दिन कुछ नया ही देखने को मिलता है, और उसमें डिस्कशन पहले हो जाए वो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो लोग होने के बाद डिस्कस करते हैं तो उसमें फिर मार्केटिंग टूल्स इस्तेमाल अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। तो इस टाइम जो है वो पहले से ही प्लान अगर हो तो वो एक अच्छी चीज़ है, और अच्छी पहल इन्होंने ली है, और ये फर्स्ट स्टेप है, तो इसको हम लोग अच्छे ढंग से निभाएंगे इसको। रुद्रा फिल्म की स्टोरी के बारे में तो ज़्यादा नहीं मालूम, मैं रुद्रा के एक्टर के बारे में बहुत मालूम है, वो जहाँ जहाँ जाता है वो अपनी धजा पताका एकदम लहरा के आता है, एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड द फिल्म टू। इसके अलावा क्या खास बात लगी आपको यश जी की, जो आपने बोला कि सब साइड अपना मुकाम? आपने फिल्म देखी है उसकी एक भी? तो आपका क्या कहना है उसके बारे में? उसका काम ही दिखा देता है, अपन क्या बोलेंगे उसके बारे में? रुद्रा मूवी क्यों देखी उसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, रुद्रा मूवी क्यों देखी उसके बारे में दर्शकों को बताइए। रुद्रा मूवी का फ्रेंकली मुझे ज्यादा अंदाज नहीं है, मगर कुछ अलग होगा, उसका पोस्टर देखा तो व्हाइट घोड़े पे यश है, तो कुछ अलग अंदाज होगा ऐसा जरूर समझ में आ रहा है। पहले तो मैं यश जी को देना चाहूंगी, अगर वो सेटिस्फाई होंगे तब मैं आप लोगों को दूंगी बारी बारी से। सबको मैं प्यार देना चाहूंगी। क्लियर कर देते, आजकल मेरा बहुत ज्यादा न्यूज आ रहा है, तो देने लेने में मैं सिर्फ प्यार में ही माहिर हूँ, उसके आगे मेरा कुछ बाकी नफरत किसी को चाहिए भी नहीं, सब प्यार के ही भूखे हैं। नहीं, कुछ जन है जिनको नफरत चाहिए, बट उनको भी आज प्यार देने ही आई हूँ मैं। दैट्स ग्रेट। देखिए यश जी बहुत स्वीट हैं, हम लोग मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं, और मैं पहली बात तो क्लियर करूंगी, महुआ चालों में जब मैं पहली बार इनसे मिली थी मैं बहुत नर्वस थी, और ये अकेले वो इंसान है जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था, कि साथ में और भी काफ़ी आर्टिस्ट थे, उन लोग के साथ साथ होने के बावजूद भी उन लोगों ने मुझे उतना सपोर्ट नहीं दिखाया जितना इन्होंने दिखाया, और मेरे लिए तो ये बहुत क्यूट स्वीट हार्ट हैं, इनके साथ काम कर रही हूँ, मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, और मैंने आपको बहुत मिस किया लुटेरे मूवी में, क्योंकि मेरा एक चंक आपके साथ था, लेकिन आपका तबीयत खराब था, इसके लिए हम लोग नहीं कर पाए, बट अब नहीं छोड़ूंगी रुद्रा। डोंट वरी रुद्रा, हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं।
जैसे अभी यश जी ने बोला कि रुद्रम आपका बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम भूमिका रहेंगे। नहीं, मैं उस चीज़ पे मैं बोलना चाहूँगा कि मैं उस किरदार से पर्दा नहीं उठने देना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ऐसा सरप्राइज रोल है कि जब ग्लोरी पर्दे के ऊपर आएंगी तो डेफिनेटली पर्दे के ऊपर आग लगने वाली है। खास करके अभी तक ग्लोरी ने जितना भी काम किया हुआ है, रुद्रा एक अलग वर्क होगा, तो उसको सीक्रेट रखा जाए। क्या बात है, या यू नेवर नो, आइटम गर्ल्स चेंज, समथिंग स्पेशल। वही प्यार, हाँ दिल, ये हाँ ऐसे 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 ऐसे, इतना बड़ा दिल नहीं, इतना बड़ा होगा। चलो भाई, शुभकामनाएं। चलिए, हाँ चला जाओ। मेरी बहुत छोटी सी सिंपल सी शुभकामना ये है कि यश मिश्रा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, और हमारी इनकी जोड़ी इत्तेफाक से बहुत लंबी चली आ रही है। हमने एक फिल्म की थी साथ में, राजा जी आई लव यू, फिर हमने एक बहुत अच्छी फिल्म अभी साथ में की, इच्छाधारी, जो बहुत बड़ी हिट हुई, और फिर योद्धा में इनके साथ काम कर रहा हूँ, मोहब्बत जिंदाबाद में इनके साथ काम कर रहा हूँ, तो इनके साथ कंटिन्यू काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और भोजपुरी में अच्छे हीरो की बड़ी ज़रूरत है, एक और अच्छा हीरो आया है, इसके लिए मेरी दिल से शुभकामना है कि फिल्म में हिट होती रहें और ये फिल्म बहुत अच्छी चले और यश कुमार ऐसे ही आगे जाते रहें, यही मेरी शुभकामना है। इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट जो शेयर करना? जी, मेरी आने वाली फिल्म एक हिंदी में है, लाइब्रेरियानी, इसके अलावा प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, और एक फिल्म और है आतंकवादी, जो भी करने जा रहा हूँ एमआई राज साहब के साथ, जिन्होंने मुझे पहला हिंदी में ब्रेक दिया था, एक और विस्फोट, तो इनके साथ अभी तुरंत जाने वाले हैं हम लोग, आतंकवादी फिल्म है, यही दो एक प्रोजेक्ट है। बहुत खुश हूँ मैं कि बहुत अच्छा टाइटल यश को मिला है, और यश बहुत ही डैशिंग हीरो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोरियोग्राफर हूँ और हर तरह के हीरो के साथ काम करता हूँ मैं, किसी को नाचने नहीं आता, किसी को चलने नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं उनकी कमियां नहीं बताना चाहता। यश बहुत ही ज़्यादा मतलब उभरते हुए कलाकार हैं और एक के ऊपर एक हिट दिए जा रहे हैं वो, और मेरी शुभकामनाएं उनके कि हर फिल्म उनकी हिट हो और मैं भी उनके साथ काम करूं। क्यों सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक नया अच्छा हीरो मिले, यही शुभकामनाएं यश के लिए। सबसे पहले तो मैं यश कुमार को मुबारकबाद दूँगा, ख़ासतौर से इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसका टाइटल मुझे बहुत अच्छा लगा, रुद्रा, अच्छे एक टाइटल है, डिफरेंट टाइटल है, भोजपुरी से एक डिफरेंट है। एक चीज़ और भी अच्छा है कि यश जितने भी फिल्में करते हैं, मुझे मैं देखता हूं कि हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की वो कोशिश में लगे रहते हैं और वो करते भी हैं, चाहे सब्जेक्ट वाइज हो, चाहे एक्शन वाइज हो, तो एक जो जोश है यश में, ये एक जो देखने को मिलता शुरू से ही, तो मेरी तो बस यही प्रार्थना है और यही उनके लिए दुआ है कि ऐसी अच्छी से अच्छी फिल्में करते रहें, और इस फिल्म के लिए खास तौर से बहुत बहुत शुभकामना मेरी तरफ से। आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट जो? जी, मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ आतंकवादी, जिसके नायक हैं खेसारी लाल, तो वो नेक्स्ट मंथ में सेट पे जा रही है, उस पर काम चल रहा है। रात में सोता है, सुबह उठते ही पता नहीं कितने घंटे की बैटरी चार्ज रहती है, दिन भर उस आदमी का बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती, हमेशा कूदता रहता है, एक सेकंड के लिए बैठता नहीं, यही मेरे समझ में नहीं आया कि वो बैटरी बनी कहाँ है, वो इतना एक होता है ना आदमी का, बोलते हैं चार्ज एक होता है ओवर चार्ज, बहुत एनर्जेटिक, वो इतना एनर्जेटिक है कि वो कूदते रहता है, कूदते रहता है, समय भी थकते भी हो, उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि बंदा थकता ही नहीं, और यही उसकी जीत है, यही उसकी जीत है। क्या बात है, ग्लोरी जी हैं, उन्होंने कहा कि आप इनके बारे में बताएंगे, इनकी तारीफ आप करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ग्लोरी के साथ मैं जब पहली बार काम किया था, मैं तो सिर्फ नाम सुन रहा था, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, लेकिन मैंने काम नहीं किया था। हमारे जगदीश शर्मा डायरेक्टर हैं, जिनके फिल्म में पहली बार ग्लोरी के साथ काम करने का मौका मिला। ग्लोरी बहुत ही बेहतरीन डांसर है, बहुत अच्छे लुक्स हैं इसके, बहुत सिंसियर है, और हर कोरियोग्राफर चाहता है कि आइटम में इस जैसी लड़की मिले जो अच्छा परफॉर्म कर सके, और आइटम जो होता है, आइटम गाना खास करके, वो एक कोरियोग्राफर के लिए बहुत बड़ी बात है, उसको अपना स्कोप होता है उसके अंदर, और वो उसके मन मुताबिक अगर काम कर दे आइटम लड़की, तो कोरियोग्राफर की जीत है उसमें, ऐसे लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है हमें। मुझे सर का वो पहला जो शूट था, तब भी सर ने जो मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, ऑफकोर्स मिले वो कॉम्प्लीमेंट था, उन्होंने मेरे आँखों का शॉट लिया था और आके मुझे बोला, बेटा मैं तुझे एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ,
तो मैंने बोला जी सर बोलिए ना, तो मेरे लिए फुगा हुआ शिल्पा शेट्टी लग रही है और मैं इतनी खुश थी बिकॉज मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि शिल्पा शेट्टी जैसा लुक करना, ऊपर से उन्होंने मुझे डांसिंग के लिए मोटिवेट किया। और मैं सबको बताना चाहूँगी भोजपुरी से हट के भी सर ने मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया था, जी टीवी में जो एक सीरियल मतलब डांसिंग का शो आया था दिल से नाचे इंडिया का, उसमें सर ने मुझे बकायदा परफॉर्म करवाया था और अपने स्टेप्स अपने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाए थे। तो थैंक यू सर मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे हेल्प करने के लिए, और मैं तो चाहूँगी कि मैं सर के साथ बार 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 काम करूँ और सर ऐसे ही मुझे प्यार करते रहे। रुद्रा का मुहूर्त हुआ है, क्या कहना चाहिए जी, इसमें हीरो हैं जी। पहले तो एक सेकंड क्या कहना चाहिए जिसमें हीरो हैं जी। पहले तो मैं पूरी फिल्म की यूनिट को मुबारकबाद देना चाहता हूं मैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है और नाम में अपने आप में ये भगवान शंकर का नाम है, ये भगवान ये नाम अपने आप में बहुत पावरफुल है। और फिल्म के कलाकार जो यश मिश्रा अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और ही इज़ गोइंग बहुत फास्ट जा रहे हैं, और आप ज़्यादा नहीं 6 महीने 1 साल के अंदर आप देखेंगे ही विल बी ऑन द टॉप। सेकेंडली हमारे जो दीपक शाह जी हैं फिल्म को जो प्रमोट करें, जो फाइनेंसर हैं, जो कि सबसे बड़े पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो हमेशा उनकी एक सोच रही है कि फिल्म अच्छी बनाएं, अच्छे ढंग से बिजनेस करें, अच्छा मेकिंग हो, अच्छा रिजल्ट हो। और सारे आर्टिस्ट जैसे कि हमारे बगल में मैडम ने अपना आइटम डांस करी, इनका देखा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, रिक्की जी हैं, तो इट्स वेरी गुड। और मैं होप करता हूँ कि फिल्म अपने आप एक माइलस्टोन होगी। बात करें जैसे कि आप भी जो है एक्टिंग में नज़र आ जाते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिल्मों में जी, तो रुद्रा में भी आपकी भूमिका कुछ नज़र आएगी? मैं रुद्रा में मेरी भूमिका नज़र आना ऑल डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टर, अगर मेरा कुछ रोल होगा आप साथ में अगर मेघनाथ का रोल करेंगे तो मैं कर लूँगा रावण का रोल, कोई इशू नहीं है। और संजय जी मजाक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन एक बात है कि यहाँ तक काम करने का सवाल है, कोई इशू नहीं है। तो एक जैसे एक फ़न है और एक काम करने का दिल से आदमी आर्टिस्ट होना चाहिए, और एक फिल्म को एक ग्रेस देने के लिए फिल्म के हर कलाकारों का योगदान रहता है, संगीतकार का योगदान होता है, सिंगर का होता है, DOP का होता है, सारे हर लोग मिलकर एक पूरी एक ताना बाना मुल्क एक जो चादर तैयार होती है ना, वो अपने आप में एक अच्छी चीज़ होती है जो कि समाज के लिए पब्लिक के लिए एक हम जो प्रस्तुत करें ना उनका प्रस्तुतिकरण जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए ये ऑल टुगेदर गुड लुक एंड वेल परफॉर्मेंस और कम्प्लीटली फुल इम्पैक्ट एंड कम्प्लीट, ये चीज़ होना चाहिए कि आपको परफेक्शन विथ ऑल परफेक्ट, और ये फिल्म में है ऐसा, ऐसी मेरी उम्मीद है। बात करें आज रुद्रा का मुहूर्त हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि यश जी की वजह से जो है मैं इस मुहूर्त में आई हूँ, और यश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और राकेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बने और मार्केट में आए रिलीज होके। और जो अभी जैसे यश जी का जो रोल दिख रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्या कहना चाहेंगे? यश जी का रोल देख के तो मुझे लग रहा है कि मतलब जैसे हिंदी मूवी में मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स धर्मेंद्र जी के देखे हैं और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे हैं, तो उनकी यादें जो हैं ताज़ा हो रही हैं। नागेश जी बगल में खड़े हैं आपके, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? नागेश जी बहुत अच्छे हैं, बहुत जेंटलमैन हैं, जब भी मिली हूँ अच्छे ही दिखे हैं मुझे। इन चीजों को आपने उसको एक्सपोज किया, उनको पब्लिक तक लाया है, और एक एक आदमी का इसमें एक एक कैमरामैन का एक एक जो लेवल लाइट में जो सपोर्ट करे, जो माइक लेके हमारे भाई बंधु खड़े हैं, हर आदमी का एक बड़ा बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग पर्दे के पीछे हीरो हैं और इन हीरोइनों को जो पर्दे के पीछे रह गए पर्दे के सामने सबको लाते हैं। और सारी फिल्म सिर्फ रुद्रा ही नहीं, मैं सारी फिल्में, मैं आपको आप लोगों का इतना सम्मान मेरे दिल में है, इतनी इज्जत है, और इतना उसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहन देता हूँ कि आप सारी इस भोजपुरी फिल्मों का जो पूरा एक जो दौर चल रहा है, ये दौर अपने आप में माइलस्टोन होना चाहिए। और आज भी आज के तारीख में रीजनल फिल्मों में सिर्फ भोजपुरी ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है। नहीं, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, बैन नहीं किया गया उसमें, क्या क्रूरिटी पे बैन किया गया? आप उनके साथ जो निर्दयता क्रूरता नहीं कर सकते, कोई भी जानवर को आप यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है, लॉ क्या होता है, कानून देखिए, एक जनरल जो स्ट्रॉन्ग कॉमन सेंस अलावा कुछ नहीं है, जो चीज़ आप सही करते हो सही है, जो गलत करते हैं गलत है। एक जानवर जैसे आप कह रहे हैं अगर समझो कोई घोड़ा हो या कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो जिसको आप यूज़ करें फिल्मों में, उनके साथ निर्दयता नहीं होती है, सरकार ये होती है, इसलिए आपको सर्टिफिकेट एफिडेविट देना पड़ता है जो कि उसकी संस्था गवर्नमेंट की, वहाँ से कन्फर्म करते हैं कि ये इसके साथ कोई क्रूरता नहीं, निर्दयता नहीं। सिमिलरली आप किसी आदमी
फैमिली के साथ नहीं कर सकते, बच्चे के साथ नहीं कर सकते, तो ये रूल सही है, बैन नहीं है, इस बारे में थोड़ा स्पेसिफाई और क्लेरिफाई करने की जरूरत है।